हेलो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख सकते हैं कि आज हमने स्पाइसी दम बोटी बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बोटियों का साइज, हमने बोटियों को कट कर लेना है बीफ की इस साइज में, ठीक है। आप यहाँ पे साइज बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरीके से कटिंग की हुई है। इसको अच्छी तरीके से कटिंग करके वॉश कर लेना है। वॉश करके इसका सारा एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बाहर निकाल देना है। एक्सेस वाटर हो उसको रिमूव कर देंगे हम लोग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो गोश्त है उसको हमने जितना भी एक्सेस वाटर था रिमूव करने के बाद, अब हम इसमें एडिशन ऑफ सॉल्ट करेंगे। यहाँ पर हम आप सॉल्ट 2 टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है, जितना आपको ज़रूरत हो। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून के जितना लिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमने इसके ऊपर स्प्रेड आउट कर दिए। देन उसके बाद हम इसमें विनीगर ऐड करेंगे। आप अपनी मीट की क्वांटिटी के मुताबिक चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर हल्दी ली। हल्दी पाउडर के बाद लाल मिर्चें ली हमने। लाल मिर्चें और हल्दी पाउडर दोनों हमने ऐड किया इसमें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुटा हुआ धनिया हम ऐड कर रहे हैं। कुटे हुए धनिया के बाद हमने यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड किए इसमें। अब व्यूअर्स, यहाँ पे हमने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए। उसके बाद हम यहाँ पे गरम मसाला ऐड करेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है। गरम मसाले को पहले भून लिया था मिक्स करके और फिर इसको पीस लिया था। अब फिर उसके बाद हम यहाँ पे शान वालू का टिक्का पैकेट मसाला ऐड करेंगे, 1/2 पैकेट। यहाँ पर हम 1/2 पैकेट ऐड कर रहे हैं शान वालू का। देन इसमें हमारे अब गार्लिक, ठीक है, गार्लिक चॉप्ड हुआ हुआ और जिंजर चॉप हुई भी ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको मिक्सअप कर, और इसमें हमें गरम मसाला जो है जैसे जायफल जावित्री हो गई थोड़ी, उसको भी हम पीस लेंगे, और साथ में छोटी इलायची को, उनको भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, वो हमने ऐड किया मसाले के साथ। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसको हमने अच्छी तरीके बोटियों को मिक्सअप कर दिया सारे तमाम स्पाइसेस के साथ। अब हम इसमें एंड में जो हम एडिशन करेंगे वो है अजवाइन और ब्लैक पेपर की। अजवाइन से ये होगा कि इसमें जो टेस्ट है, अरोमा है, वो बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। और जो भी अजवाइन से इसका अरोमा बहुत अच्छा आएगा एक तो, और दूसरा इसके अंदर जितने भी अच्छी तरीके से इसकी है ना कुकिंग हो जाएगी, गलावट गोश्त गल जाएगा हमारा, और इसमें भादीपन ख़त्म हो जाएगा गोश्त के अंदर से। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं अजवाइन और ब्लैक पेपर। यहाँ पे आप अपने मीट के क्वांटिटी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी हमें मिक्सअप कर लेना है अच्छी तरीके से और इसको मैरिनेट करके रख देना है। अब व्यूअर्स, हमने टिक्का दम बोटी बनाने के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर ऑयल ले लेना है। उसको 3 to 5 मिनट हमने हीट अप करना है नॉर्मल फ्लेम के ऊपर। जैसे ही हमारा फ्लेम ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा, तो हमारी जो मैरिनेट की भी बोटियाँ थी, ठीक है, जो हमने 5 से 6 घंटे रखी, या आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका टेक्स्चर। फिर अब हम इसको ऐड कर देंगे ऑयल के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ऑयल के अंदर तमाम बोटियों को ऐड कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा मिक्सअप कर लेंगे, और इसके अंदर आपको अगर स्पाइसेस और डालनी है, ठीक है, अपने टेस्ट के मुताबिक, तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने डाल दिया, तो इसमें जितना भी और अरोमा था, ठीक है, और जितना भी इसका पानी था मीट का अंदर का, वो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसी में गलेगा मीट, अपना पानी भी रिलीव आउट करेगा, उसमें ही अच्छी तरीके से कुकिंग होगी। आपको तब तक इसको पकाना है जब तक इसका पानी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी एडिशन की चिली फ्लेक्स की, क्योंकि जब बोटियाँ होती हैं उस पर चिली फ्लेक्स का टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो बोटियाँ थी उसका पानी जो था स्प्रेड आउट हो गया, मतलब रिमूव हो गया। यहाँ पे एक्सेस वाटर ख़त्म होता जा रहा है इसका। आप स्पून की मदद से इस तरीके से बोटी को चेक कर सकते हैं कि वो गल गई या नहीं गल गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो बोटियाँ हैं वो बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गई हैं। अब इस परफेक्टली बोटी को आप स्पून की मदद से चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका टेक्स्चर देख लें, हमारी जो बोटियाँ थी वो पूरी रेडी हो चुकी हैं। देन अब हम इसको डिश आउट की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देख लें,
बोटियाँ पूरी रेडी हो गई हैं, ठीक है। अब आप इसको मिक्सअप कर लेंगे, देन हम इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ पे देख सकते अब व्यूअर्स, हमने अपनी टिक्का दम बोटी को डिश आउट कर लिया है। यहाँ पर आप इसका लुक देख सकते हैं, फाइनल लुक, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लास्ट में कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।